वीवो देश में अपना नया स्मार्टफोन वीवो X21 29 मई को लॉन्च करेगी। चीन में वीवो X21 को मार्च महीने में उतार दिया गया था। अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे महीने की शुरुआत में लॉन्च किया गया। प्रमुख फीचर की बात करें तो वीवो X21 के खास 128GB वेरिएंट में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। इससे पहले वीवो X20 Plus उब में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि फोन में फिजिकल होम बटन नहीं दिए गए हैं, ना ही अलग से इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर होगा जिसे टच कर फोन अनलॉक किया जा सके। हालांकि बाकी वेरिएंट में फिंगरप्रिंट सेंसर बैक में दिया गया है। ध्यान रहे, यह उन पहले स्मार्टफोन में से एक है जिनके लिए गूगल ने एंड्रॉइड पी बीटा अपडेट जारी किया है। जैसा कि हमने पहले बताया, Vivo X21 उड कंपनी का दूसरा ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर वाला हैंडसेट है। Vivo X21 उड को सबसे पहले CES 2018 में शोकेस किया गया था, बाद में इसे जनवरी में चीन में लॉन्च किया गया। भारत में इसकी दस्तक अब तक नहीं हुई थी। कंपनी ने हाल में इशारा दिया था कि जल्द ही फोन लॉन्च होगा। वर्तमान में कीमत और उपलब्धता को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन Vivo X21 UD के Honor 10 और OnePlus 6 का मुकाबला करने की उम्मीद है। Vivo X21 UD कीमत स्पेसिफिकेशन। Vivo X21 UD एक मिड रेंज स्मार्टफोन है। कीमत के मामले में Vivo X21 UD 3,598 चीनी युआन 37,100 रुपये कीमत वाला है। Vivo X21 UD एक डुअल सिम फोन है। यह एंड्रॉइड 8.1 कोरियो आउट ऑफ द बॉक्स के शीर्ष पर दिए गए फन टच ओएस 4.0 को सपोर्ट करता है। हैंडसेट में 6.28 इंच फुल एचडी सुपर एएमओएलईडी डिस्प्ले है, जो 1080x2280 के पिक्सेल रिजोल्यूशन और 19:9 एस्पेक्ट रेशियो से लेस होकर आता है। फोन में काम करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर, साथ देते हैं एड्रेनो 512 जीपीयू और 6GB रैम। X21UD फोन में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 5 मेगापिक्सल सेकेंडरी सेंसर में दिया गया है। फोन के पीछे की तरफ एलईडी फ्लैश भी शामिल है। फ्रंट पर 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। यह फोन 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 256GB तक बढ़ाना संभव है। अन्य कनेक्टिविटी विकल्पों के लिए इसमें 4G LTE, ब्लूटूथ 5.0, डुअल बैंड वाईफाई 802.11ac, USB 2.0 OTG सपोर्ट है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें शामिल है। फोन 3200 mAh बैटरी के साथ आता है।